प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, थोड़ा सा जो है कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट वो मैं आपको पीछे थोड़ा पढ़ा दूँ, जैसे वर्क के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, उसके बाद लौट चलेंगे अपने सिलेबस की तरफ। वर्क सब जानते हैं वर्क मतलब क्या है, वर्क का मतलब क्या है, कार्य कैसे डिफाइन करते हैं कोई बताएगा? क्या कहते हैं, बल व बल की दिशा में होने वाले विस्थापन, ठीक है। और बाकी सब लोग टाइम पास करने आते हैं क्या? बीएससी कर रहे हो जी? कौन सी ईयर में हो? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर बीएससी करो यार, अगर नहीं पढ़ना लिखना क्या पढ़ा है कि आप तैयारी करने के लिए आए हैं, कुछ तो पढ़ा होगा उसमें, पेपर में पढ़ लिया कि फ्री की कोचिंग है तो चलते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, पढ़ने आए हैं ना, पढ़ने आएंगे तो इसका मतलब पढ़ के आएंगे ना, केवल आगे बैठना बस है। बगल में क्या है वर्क? अरे तुम ना 11 वाली डेफिनेशन बताओ तो तुम 7th और 8th वाली बता दो। ये बता दिए हैं, यही तुम्हारा भी जवाब है, दोबारा अपने मुंह से बोलो। बल की दिशा में किए गए विस्थापन को वर्क कहते हैं। बल की दिशा में किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल की दिशा में हमने 10 मीटर विस्थापन किया तो वो कार्य हो गया। किसका मल्टीप्लाई करते हैं? उधर पीछे हाँ, जिसको आ रहा हो बता दे पीछे से। हाँ भैया SSC तब ऐसे काम चलेगा ऐसे। नहीं पता, कब पता चलेगा? जब पता चलेगा तब बताएंगे। ये जो आप लोग डेफिनेशन बता रहे हैं ये सब बहुत पुरानी डेफिनेशन है, इसका आपके लेवल में कोई यूज नहीं है। जो वर्क होता है वो क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अदिश गुणन। क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के बीच का क्या है? ये अदिश गुणन, डॉट गुणन। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है आपके पास बॉडी, इसका मास कितना है एम, और ये यहां रखी हुई है, आपने इस पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में यहां से एंगल थीटा पर, तो ये कहां जाएगी? आगे। मान लीजिए यहां पहुंच गई, कितना डिस्टेंस चली? ऐसे डिस्टेंस। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक जहां से एंगल बनता है वहां कॉस थीटा, और एक उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। इसी चीज को लिखने के दो तरीके हैं, ऐसे लिख लेते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस, मतलब नॉर्मल वाला ये इंटू है। इसका मतलब क्या है? एफ कॉस थीटा वो फोर्स का कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। क्या लिखते हैं इसको? विस्थापन की दिशा में जो बल है, गुणे विस्थापन, केवल वही बल लेना है जिसकी वजह से विस्थापन होगा। देखिए एफ साइन थीटा जो है ये ऊपर लग रहा है तो ये इसको आगे नहीं लेके जाएगा, इसको आगे कौन लेके जाएगा? एफ कॉस थीटा। भाई जो फोर्स यहां लगेगा वही ना इसको आगे ले जाएगा, ये तो ऊपर लग रहा है, ये ऊपर लगेगा और नीचे क्या लग रहा होगा इसका? वेट mg, तो दोनों क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। क्या बचेगा? केवल f cos थीटा, जिसकी वजह से कहां जाएगा? आगे जाएगा। तो केवल वही बल लेना है जो कहां हो? विस्थापन की दिशा में हो।
एफ कॉस थीटा एस, सदिश में लिखेंगे तो एफ डॉट एस। और अगर आपको ये कोण दिया होगा, मान लीजिए आप सीधी सी बात है सेम चीज है, मान लीजिए कह दिया कि ये 10 न्यूटन है और विस्थापन हो रहा है 5 मीटर और कोण ये जो याद दिया है ये दिया है 30, तो सीधी 30 ना 60 ले लो और कैलकुलेशन आसान कर लो। तो या तो सीधे सीधे आप ये फॉर्मूला रखिए एफ इंटू एस इंटू कॉस 60, तो 10 5 1 बटे 2 यानी कि 25। या सीधे सीधे इधर देख लीजिए 10 का यहाँ कंपोनेंट कितना आएगा 10 cos 60 और विस्थापन कितना है 5, लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है सेम है। तो बल की दिशा विस्थापन की दिशा वाला बल लेना है और गुणे कर देना है विस्थापन से, या तो बल विस्थापन दोनों के बीच के कोण का cos थीटा। क्लियर है? हेडिंग दो वर्क और लिखो। आपका ज्यादा कारा नहीं है उधर बीएससी का वैल्यू है। ढूंढिए क्योंकि आप पास होने के बाद सबसे पहला काम जो करते हैं यही करते हैं, नोट्स और किताबों को ठिकाने लगाते हैं। तो दान में दे दिए। लिखिए बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को, बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। और ये बना लीजिए डायग्राम बना लीजिए, वैल्यू उसका पुट करिएगा वहां और ये तीनों फॉर्मूले लिख लीजिए। डायग्राम में वैल्यू मत रखिएगा 10 न्यूटन और 5 मीटर, केवल बस जिस तरह पहले बना था उस तरह बना लीजिए और ये तीनों चीजें लिख लीजिए। तुम लोगों ने नीट दिया है बीएससी वालों ने कभी? क्यों तुम लोगों ने नीट दिया है? क्यों मैंने कितनी बार फर्स्ट कब दिया था इंटर पास आउट करने का, उसके बाद क्यों नहीं जा ही पा रहे? कहाँ नहीं जा पा रहे? तैयारी करने कितने नंबर आए थे पहली बार में? कितने में? 720। अलग अलग कितने कितने थे? नंबर भयंकर भयंकर ही आई। बाकी किसी ने किसी ने नीट का पेपर नहीं दिया? सब इंटर पास हो गए? सर 18 के अभी हुए 17 साल। आपका ग्रेजुएशन किस सीट मतलब आपका इंटर किस ईयर का है? 2020 इसी साल का, इसके पहले वाले का, तब एग्जाम दे के पास हुए हैं। अच्छा देखो गवर्नमेंट का रूल ये है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जब कोई इंटर पास करता है तो सब उसकी 18 होती है। समझिए बात, मतलब एज कम करा के हो सकता है लिखा दी गई, या तो हो सकता है कि सीधे मतलब जैसे अब आज कल वो ट्रेडिशन चलने लगा है ना कि यू के जी एल के जी के ग्रुप ड्रामा दुनिया का, पहले लोग सीधे एक परमिशन लेते थे। नहीं पहले चंद्र सर ने यू के जी एल के बड़ी है उससे खैर।
कि राखा नहीं जाता किसी की योग्यता में यूकेजी पढ़ने से, वो तो केवल जो है बच्चों के मनोरंजन के लिए है यूकेजी एलकेजी और प्ले टू है, वो कोई विशेष योग्यता नहीं है, उसको इतना जोर दे मत बताया गया कि हमने एलकेजी यूकेजी पढ़ा है। सर आप बोल रहे पहले नहीं, हाँ मतलब इतना ज्यादा ट्रेडिशन नहीं था भाई, सीधी सी बात है आप मतलब इंटर पास कर चुके थे यानी कि 12 साल पहले की बात होगी है कि नहीं, तो 12 साल पहले इतना ज्यादा कल्चर में नहीं था, खासकर इधर अपने क्षेत्रों में बाला इस क्षेत्रों में। हो गया यहाँ तक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, तीन केसेस हो सकते हैं। मान लीजिए जो थीटा है वो कितना हो, जीरो, तो जब आप डब्ल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ एस कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा एफ एस, यानी कि ये वर्कडन जो है ये कैसा है, पॉजिटिव वर्कडन है, कैसा है पॉजिटिव। जरा केस टू पे आइए, इसको कह लीजिए थीटा को 180, तो W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस 180, कॉस 180 माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस का एफ एस, यानी कि जो वर्कडन है वो कैसा है निगेटिव। तीसरा केस क्या हो सकता है, थीटा क्या हो जाए 90, थीटा क्या हो जाए 90, तो W बराबर एफ एस कॉस 90, कॉस 90 नोट कर लें। कल कोई गायब नहीं होगा, जितने लोग आ गए हैं वो तो गायब ही नहीं होंगे, ठीक है। वेक्टर और ये प्रोजेक्टाइल मोशन जितना कल तक पढ़ा दिया था आज का नहीं, मतलब हो सकता है आज से पूछा जाए अगर वेक्टर से रिलेटेड होगा तो, ठीक है ना, मैं इसीलिए इसको पढ़ा रहा हूँ कि कल के दिन लोग ये ना कह दो कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया। पेपर दीजिए या कोई आपको जो है उसमें सजा नहीं हो जानी है, नंबर कमाएंगे धीरे धीरे, पेपर देते देते क्या हो जाएगी पोजिशन थोड़ा सुधरेगी। दो दो चार दो छः चार दस दो बारह, बारह से ग्यारह ना हो, सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, नोट करके लिखिए नंबर एक में लिखिए, यदि बहुत खराब है लिखिए, यदि किसी निकाय पर यदि किसी निकाय पर किया गया कार्य धनात्मक हो, धनात्मक है लिखिएगा, धनात्मक है तो उस निकाय की ऊर्जा बढ़ती है, उस निकाय की ऊर्जा बढ़ती है। नंबर दो लिख लीजिए, देखिए यदि किसी निकाय पर किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो निकाय की ऊर्जा घटती है, ठीक हो गया। वर्क जीरो कैसे हो सकता है, अभी दिखाते हैं। छोटे में सब लोगों ने वो वाला उदाहरण पढ़ा है क्लास 8 9 की साइंस में, एक कुली सामान लेके जा रहा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखिए ध्यान से, ये है एक कुली, ठीक, इसने अपने सर पे क्या रखा हुआ है सामान, मान लीजिए कितना है m, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है,
मान लीजिए इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली और ये ट्रेवल करके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। अब ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कहाँ लगता है, नीचे। कहाँ लगता है, नीचे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए, तो आप लिखेंगे बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस थीटा। देखो ये है बल और ये है विस्थापन, कितना कोण है, कॉस 90। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कौन से बल का कार्य जीरो है, गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है ना, छोटे में पढ़ के जो है ये ना जाके कहिएगा किसी कुली से जब आपका सामान लेके वो जा रहा हो कि तुमने कुछ काम ही नहीं किया है तो पैसा किस बात का, ये देखो तुम्हारा वर्क डन जीरो। तो वो वर्क डन कौन से फोर्स के द्वारा जीरो हुआ है, वो जो दूसरा फोर्स वहां पे लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स, जिसके खिलाफ वो काम करके जा रहा है, सामान उठा के जा रहा है, वो उसका काम है, वो उसका पैसा ले रहा है, वो इसका पैसा नहीं ले रहा है। उससे जाके ये नहीं कहना कि तुम्हारा तो वर्क डन जीरो है, ये देखो 90 नीचे क्या है, तुम्हारा बल लग रहा है और आगे तुम्हारा क्या है, विस्थापन। ये देखो बीच में कोण कितना बना, 90। कॉस 90 कितना, जीरो। डब्ल्यू कितना हुआ, जीरो। जब कोई कार्य नहीं तो पैसा किस बात का, बहुत मारेगा ध्यान देना। ठीक है, तो कौन से बल का कार्य जीरो है, गुरुत्वाकर्षण बल का। जब आप लोग पढ़ते थे तो उसमें लिखा जाता था कि जब एक कुली सामान लेके चलता है प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर अब क्योंकि इतना डिटेल में नहीं बताया जाता, तो वहां लिखा है कार्य क्या हो गया, जीरो। कौन से बल का कार्य जीरो है, इसका, गुरुत्वाकर्षण बल का, जो नीचे लग रहा है, बाकी वो चल रहा है जमीन में तो कुछ ना कुछ तो उसको मेहनत पड़ रही है, किस बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, घर्षण बल के विरुद्ध, उसके पैरों के बीच में और जमीन के बीच में क्या है, घर्षण बल है, छोड़िए उसको। तो ये हो गया जीरो। जब जब फोर्स कहाँ होगा, विस्थापन के परपेंडिकुलर, तो क्या मिलेगा बल, जीरो। निगेटिव कैसे मिलेगा ये भी जान लीजिए। अब वही चीजें हैं कि अब आप लोग का सिलेबस जो है चल रहा है आगे, घर्षण एक टॉपिक है। खैर, इतनी उम्मीद की जाती है कि आप लोग 11 12th पास हैं तो आप लोग को जानकारी होगी। ये मान लीजिए कोई प्रश्न है और यहाँ पर एक एम द्रव्यमान की क्या है, बॉडी है। इस बॉडी पर आपने फोर्स लगाया एफ इस डायरेक्शन में, तो घर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो सापेक्षिक गति का विरोध करता है। मतलब अगर कोई आगे जा रहा है तो घर्षण बल चाहेगा कि ये पीछे आए, तो घर्षण बल हमेशा लगाए गए बाह्य बल की दिशा के विपरीत लगता है। ठीक, अब आप इसको बल लगा के घसीट के यहां ले गए, कहां ले गए, यहां, ये यहां आ गया, कितनी दूरी चली इसने, ऐसे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए, तो आप पहले क्या लिखेंगे, बल, फिर क्या लिखेंगे, विस्थापन, और दोनों के बीच का कोण, तो देखो विस्थापन है ऐसे और बल है ऐसे, कितना कोण है, 180। तो कॉस 180 कितना हो जाएगा, माइनस 1, तो कितना जाएगा, माइनस का एफ एस इंटू एस। इस तरह क्या है वर्क, ऋणात्मक भी है, क्लियर है, किसका ऋणात्मक है, घर्षण बल का। क्यों, क्योंकि घर्षण बल हमेशा विस्थापन के विपरीत लगेगा, जहां आप जाएंगे घर्षण हमेशा क्या करेगा, विरोध करेगा, क्लियर है। अब देखिए जरा इसके जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है वो क्या है, आपसे दे दिया यदि f बराबर 2i माइनस का 4j प्लस का 6k कैप, क्या वो न्यूटन, ये वेग बल दिया है, एवं विस्थापन s वेक्टर दिया हो i प्लस 2j माइनस का k मीटर, तो आपसे पूछ रहा है कार्य बताइए, क्या बताइए, कार, चलिए बताइए, एफ दिया है और क्या दिया है, एस दिया है, दोनों किसमें है, वेक्टर में है, सॉल्व कर लीजिए।
जीरो माइनस ट्वेल्व जीरो में से आ रही है वैसे उनको नहीं दो दो का नाम दो दो दुना है चार दुना है आठ और छः का नाम छः और उनको प्लस माइनस करके घटा देंगे घटा देंगे हाँ दो में आठ घटाएंगे छः बचेगा अच्छा आठ घटाएंगे तो छः बचेगा अच्छा फिर छः में छः घटाएंगे जीरो बचेगा बायो लिए थे ना दो में आठ घटाएंगे तो छह बचेगा आठ में दो घटाएंगे छह अच्छा तो आठ में दो कहाँ घटा रहे हैं थोड़ा ये बताओ मुझे आठ में सर चार दुना ही आठ माइनस के चार प्लस का दो माइनस का आठ हो गया माइनस का आठ और प्लस का दो माइनस का छह फिर जो है माइनस का छह अच्छा बारह माइनस का छः माइनस का कट गए जीरो आ गया नहीं माइनस का छः बारह माइनस का बारह तो अभी तो जीरो बता रहे थे सर प्लस माइनस हो गया था बेटा सॉल्व कर लियो इतना ज़्यादा क्यों दिमाग लगा रहे हो बिल्कुल आँखों से सॉल्व कर रहे हो आँखों से काम जो है ये मनुष्य वंश का नहीं है नाग वंश का काम है आँखों से फोटो खींच लेना बदला लेना ये सब चीजें कहाँ ये पेन चलाइए आपको भगवान ने पेन दिया है कॉपी दिया है है कि नहीं सॉल्व करिए दो तीन पेज दो तीन लाइनें बचा के और पांच एकड़ की इंक बचा के क्या कर लोगे ऐसे देख देख जीरो बताओगे आ गया भैया आदेश बुलाना है कैसे होता है आई का आई में जे का जे में और के का के में आई का आई में कर लो क्या लिखेंगे डब्लू बराबर एफ डॉट एस आई का आई है तो यहाँ है दो यहाँ है एक तो कितना आया दो आया यहाँ है माइनस चार यहाँ है प्लस दो तो माइनस आठ आया और छह और माइनस एक तो माइनस का छह आया तो माइनस का बारह और मात्रक क्या होता है इसका जूल जूल या लिख ले न्यूटन मीटर यानी कि जूल दोनों बातें क्या है एक ही है तो देखिए नाम है केवल यहाँ किसका वो कार्य का लेकिन काम कौन कर रहा है सर्विस कर रहा है क्या है वेक्टर का कॉन्सेप्ट है हो गया नोट हो गया जिनका नोट हो जाए वो उसके बाद एक क्वेश्चन दूसरा करें बल दिया है विस्थापन दिया है पूछ रहा है बल विस्थापन के बीच कोण थीटा कितना होगा
डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स करिए 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 आया। तो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना हम लोगों ने वेक्टर में सीखा है, सीखा कि नहीं सीखा? ये दो वेक्टर दिए हैं, दोनों के बीच में क्या निकालना है, एंगल कैसे निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया गया है आधे सूरत में, दो सदस्यों के बीच कोण कैसे निकालते हैं? पीछे नोट्स खोल के देखिए, दो सदस्यों के बीच कोण ज्ञात करना, जहां पर आधे सूरत पढ़ाया है वहां मिला कि नहीं मिला? पुराना तो कुछ पढ़े नहीं हो, जो चार दिन पहले पढ़ाया वो नहीं पढ़े हो। मैं कल से डंडा उठाता हूँ तब तुम लोग लाइन में आओगे। डंडा वाली विद्या जानते हैं नहीं जानते हैं? किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि बहुत बड़े हो गए हैं डंडे नहीं चलेंगे? गलत फहमी में ना रहिए, इस क्लास में जरूर चलेंगे। मिला कि नहीं मिला? मिला कैसे करना है? काट दीजिए, कैंसिल कर लीजिए, रूट में आ गया। ये निफ्टी वाले थोड़ा ज़्यादा और एक बार करो, उसको चेक करें कितना सटीक कैसे आ जाएगा। रूट में आ रहा है इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस फाइव अपॉन रूट थ्री माइनस फाइव अपॉन रूट रूट थ्री रूट थ्री इनटू
रूट सेवन रूट सिक्स इंटू रूट सेवनटीन रूट सिक्स इंटू रूट सेवनटीन अपॉन माइनस फाइव तो ये सब के जवाब कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। फिर 102 के फैक्टर करके निकालो बाहर आप कैलकुलेशन चेक करिए कितना रहा तुम्हारा कॉस इनवर्स -5 आ रहा ऊपर कि नहीं आ रहा नीचे डिनोमिनेटर चेक करिए अंडर रूट 6 अंडर रूट 17 रहेगा नीचे आपने पढ़ा है कि एफ डॉट एस बराबर क्या होगा एफ एस कॉस थीटा तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा एफ डॉट एस डिवाइड बाई एफ एस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो ये एफ का मैग्नीट्यूड है और ये एस का मैग्नीट्यूड है देखो जरा एफ डॉट एस निकालने जाओगे तो क्या होगा आई का आई में तो 2 माइनस 2 कितना हो गया माइनस का 4 माइनस का 1 प्लस का 3 तो माइनस का 3 और ये प्लस का 2 कितना आया माइनस का 5 एफ का मैग्नीट्यूड यानी कि आई के कोफिशियंट का गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कितना आया अंडर रूट 6 तो क्या निकालना है एस निकालना है माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 9 17 अंडर रूट 17 वैल्यू रख दो यहां कितना आ गया माइनस का 5 और यहां आ गया अंडर रूट 6 और ये अंडर रूट 17 कितना है ये कॉस थीटा तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस का 5 और ये अंडर रूट के अंदर कितना चला जाएगा 102 अब यहां से सॉल्व करके अगर छोटा करना हो तो कर लीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए कैसे होगा 102 प्राइम नंबर है क्या हाँ इसको अगर ब्रेक करोगे तो 51 और 2 में करोगे तो 51 प्राइम नंबर है वही आ जाएगा 6 और 17 हाँ तो ठीक छोड़ दो कोई दिक्कत कहाँ गलती किए थे मुझे सर वही कोस और सर बट का इसमें कर दिया था इसमें कर दिया कोस का डायरेक्शन और बट का डायरेक्शन क्या दिमाग में कॉन्सेप्ट आया जो कर लिया था कि जो मन में आया वो कर देंगे कुछ तो आया हुआ दिमाग में कि ऐसा हो सकता है तो ऐसा कर दूं तो जो दिया होगा क्वेश्चन तो जो मन में आया वो कर देंगे क्यों भैया क्या हाल है सही है नोट कर लो फिर खुद से तो करना नहीं है तो नोटे कर लो और पीछे उधर आ गया था पहले ही ना पहले से आ गया था आगे बढ़े देखिए अभी तक जो आप वर्क पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का मतलब 2 4 10 5 20 50 40 60 जैसे आपने अभी देखा जैसे जो मान लीजिए बल आपने अभी भी लिया था कुछ सदिश में दिया था उसका परिमाण निकालते तो कुछ ना कुछ क्या आई थी वैल्यू आई थी कितनी आई थी अंडर रूट 6 ये अंडर रूट 6 क्या है एक नंबर है क्या है ये नंबर है अब अगर बल ऐसा आ जाए जो बदलने लगे बल अगर ऐसा आ जाए जो क्या होने लगे बदलने लगे उसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स क्या बोलते हैं वेरिएबल माने परिवर्ती बल तो अब देखना है जो कार्य है वो परिवर्ती बल से कैसे होगा कौन सा बल हो परिवर्ती बल वेरिएबल फोर्स अब कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा कि आपसे कहा कि 10 न्यूटन का बल लगाया 5 मीटर विस्थापन हुआ बताइए कितना बल है तो 10 गुणे 5 किया 50 आ गया
ठीक है। अब बल कैसा है, वेरिएबल, यानी जैसे मान लीजिए दिया है एफ बराबर टू एक्स, तो अब ये क्या कैसा फोर्स है, तो वेरिएबल एक्स की वैल्यू आप बदलते जाएंगे तो बल का मान क्या होगा, बदलता जाएगा। एक्स की वैल्यू वन रखोगे तो आएगा दो, दो रखोगे तो आएगा चार, तीन रखोगे आएगा छह, चार रखोगे आएगा आठ। मतलब जैसे जैसे एक्स का मान बदल रहा है वैसे वैसे बल का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इस तरह के बलों के लिए बल जो कार्य निकालने का तरीका है वो क्या है, थोड़ा सा अलग। तो ये जो कार्य होता है W, ये होता है समाकलन F डॉट dr, r1 से लिमिट r2 तक, जहां F क्या होगा, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप। जैसे अभी आपने लिखा था ना, इसे इस तरह लिखा हो, टू आई कैप, थ्री जे कैप, फोर के कैप। तो जो आई कैप के साथ लिखा है वो क्या है, एफ एक्स, जो जे कैप के साथ लिखा है वो एफ वाई, और जो के कैप के साथ लिखा है वो एफ जेड। आर होता है पोजीशन वेक्टर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो अगर हमको डी आर निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। जरा ध्यान से देखिए, इन इसका और इसका क्या है, यहाँ डॉट गुणा, तो जरा कर दीजिए, देखिए डब्लू बराबर आएगा क्या, आर वन से आर टू, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, आई का आई में, जे का जे में और के का के में। तो आर वन से आर टू हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का, और एक चाहे तो आप यहां से इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। देखिए आर वन आर टू का मतलब ये होगा, आपको लिमिट बताएगा कि जीरो कॉमा वन कॉमा टू से कहां ले गए इसको, टू कॉमा वन कॉमा थ्री। कोऑर्डिनेट निर्देशांक कैसे पढ़ते हैं, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। तो यहाँ पर इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में जो वर्क डन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, एक्स वन से एक्स टू और एफ एक्स डी एक्स। जो वाई डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, वाई वन से वाई टू, एफ वाई डी वाई। देखो एफ एक्स डी एक्स अलग कर लिया, एफ वाई डी वाई अलग कर लिया, और जो जेड डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, जेड वन से जेड टू, एफ जेड डी जेड। और अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो डब्लू एक्स प्लस डब्लू वाई प्लस डब्लू जेड। नोट करिए, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर एक डायमेंशन, जैसे भी मैंने जो एग्जांपल लिखा था एफ बराबर टू एक्स, तो यहां पर केवल केवल क्या है, एक्स है, तो आपको कुछ न करने की जरूरत नहीं, केवल डब्लू बराबर एफ डी एक्स कर लिए। केवल जब केवल x है तो क्या करना है, केवल dx। जब ज्यादा आ जाएंगे, जैसे इस तरह लिखा हो 2x plus 3y, तो अब ये x में भी है और कहाँ है, y में भी है। तो एक बार wx निकालेंगे, एक बार क्या निकालेंगे, wy, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, जैसी लिमिट दी होगी वैसे। तो नोट करिए, फिर सॉल्व करते हैं। R1 से R2 लिमिट ना, R1 से R2
कितने लोगों को समाकलन नहीं आता, मेरे समझ से बायो में तो किसी को ना आता होगा। भूल गया है, अभी याद दिला देते हैं। क्या है ये दरबार कर रहे हो, नोट कर लो। हो गया सबका। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे आए हैं। एक चीज जान लीजिए, पहले तो समाकलन देखिए कैसे करते हैं। जैसे लिखा हो x की पावर n dx, ठीक, क्या लिखा हो x की पावर n dx, तो ध्यान दीजिएगा समाकलन करने में x की घात कुछ भी हो सकती है, लीजिएगा एक दो तीन चार कुछ भी, तो एक घात बढ़ा देनी है, मतलब n है तो क्या कर देना है n प्लस वन, और उसी घात से दे देना है भाग, क्या दे देना है भाग। जैसे यहाँ लिखा हो x स्क्वायर, क्या लिखा हो dx, तो अभी घात कितनी है दो, एक क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, उसी से क्या दे देंगे भाग दे देंगे। अब मान लीजिए यहाँ लिमिट रखी होती
एक से दो, तो पहले तो हमने क्या कर दिया इसका समाकलन, और फिर यहां क्या लगाएंगे लिमिट कितनी एक से दो, क्योंकि तीन कांस्टेंट है तो उसको कोई मतलब नहीं है। ये इस तरह लिखा हुआ है एक्स क्यूब एक से दो। लिमिट लगाने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट हमेशा रखी जाती है वेरिएबल में। तो देखिए ऊपर लिमिट कितनी लिखी है टू, एक बार एक्स से क्या रखेंगे टू, माइनस लगाएंगे एक बार एक्स से लिखेंगे वन, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो एक्स से टू रखा तो टू का क्या हो जाएगा क्यूब, और माइनस वन का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो टू का क्यूब होता है एट, वन का क्यूब वन, एट माइनस वन कितना हो जाएगा सेवन, तो कितना जाएगा सेवन बाई। इस तरह सॉल्व करना है, पहले क्या करना है समाकलन यानी इंटीग्रेशन, घात एक बढ़ा देनी है उसी घात से भाग दे देना है, उसके बाद क्या लगानी है लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है, इसको रफ में नोट कर लो कहीं। घात एक बढ़ाई और घात से क्या दिया भाग, भाग मतलब, भाग मतलब भाग, एक बटे तीन है कि नहीं, नहीं, नहीं समझ में आ रहा। एक नीचे बटे में तीन लिखा है तो एक बटे तीन ना हो गया, तो वो x x क्यूब कहाँ जाएगा, x क्यूब ये लिखा है। अच्छा कैसे सस्ती करोगे यार तुम, यार उसमें तो बहुत खतरनाक मैथ आती है। इसमें समस्या किसी को, घात एक क्या करनी है बढ़ा देनी है उसी घात से भाग दी, जो भी घात आ रही हो बढ़ाने के बाद उसी घात से भाग देना है, उसके बाद जो भी वहां पे चल राशि है जैसे x हो गया y हो गया z हो गया वहां क्या लगानी है लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। करिए एक दो क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, एक दो क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी, परेशान ना हो। आपके लिए बिल्कुल सिंपल वाला यही वाला समाकलन अभी आपको सीखना है x की पावर n। अब n कुछ भी हो सकता है, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। जैसे अब ये नोट करिए, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करिए, यहां पर देखिए केवल f बराबर 2x है तो हम क्या लगाएंगे w बराबर समाकलन f dx, केवल dx वाला समाकलन करना होगा। कहां से कहां करना है, 0 से 2। देखो मैं एक बार एक क्वेश्चन कर देता हूं, देखिए w बराबर क्या करेंगे f dx, लिमिट x1 से x2 होती है तो देखो कहां से कहां जा रही है लिमिट, 0 से 2, तो नीचे 0 और ऊपर 2, तो नीचे 0 ऊपर 2, f की वैल्यू कितनी है 2x और साथ में क्या लिखा है dx। तो देखो हमेशा जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी संख्याएं लिखी हो उन सबको पहले बाहर निकाल लो, उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या बचेगा 0 से 2 x dx। अब देखो ये इस तरह का मिल गया, पावर यहाँ पे n है तो यहाँ पे पावर कितनी है, जहां कुछ ना लिखा हो वहां क्या मान लेते हैं 1, तो पावर को एक क्या करना है बढ़ाना है, तो अभी एक पहले से है, एक बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी 2, और इसी पावर से क्या करना है डिवाइड करना है, तो नीचे क्या कर दिया डिवाइड, और फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं ये वाला ब्रैकेट और लिख देते हैं लिमिट। देखो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा केवल यहाँ एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 2, एक बार अपर लिमिट x से क्या रखेंगे 2, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये 0 बराबर 4 जूल। ठीक है, क्यों समझ में आ रहा है, 2 कहां से आया नीचे, वहीं से आया जहां से 3 आया था, देख लो ठीक।
गया अब एक क्वेश्चन कर लेंगे खुद से इसी तरह का एक करिए फिर थोड़ा दूसरे तरह के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। टी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर वन से एक्स बराबर थ्री सॉल्व करिए। चलो दबाओ बाहर आएगा जब एक्स स्क्वायर करेंगे जैसे एक्स पर वन और एक्स हाँ तो वन को वन को नीचे रखेंगे कम वाले को नीचे नाम ही है उसका लोअर लिमिट जहां से जहां ले जाए मतलब कम नहीं देखना ये देखना है कहां से कहां जा रहा है अगर वन से थ्री जा रहा है तो पहले वन और फिर थ्री आ गया सबका आ गया कितना आया नौ जून एट आया है तीन का क्यूब करना रहेगा जब लिमिट लगाएंगे एक्स में तो तीन का क्यूब कितना होता है तीन का स्क्वायर नहीं होता बेटा सर क्यूब क्यों करेंगे उसमें स्क्वायर उधर पीछे एट छापे चला के गए तरफ से छब्बीस आ गया कहाँ से आया क्वेश्चन से क्वेश्चन बता रही पीछे से आया वो जिनका पीछे एट आ रहा है उनको ही बता दीजिए क्यों करना है केवल जब एक डायमेंशन की बात की अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है यदि f बराबर हो x स्क्वायर i कैप प्लस 2y j कैप तो किसी कण को 0.1 से 2.3 तक ले जाने में किया गया कार्य
निकाली है। इस बार यहाँ पे क्या है, आई का भी फंक्शन है और किसका फंक्शन है, जे का भी। तो इसकी पहले बात कर दीजिएगा तुलना, इससे एफ बराबर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप से। तो ये जो आई कैप के साथ लिखा ये क्या है एफ एक्स, और ये क्या है एफ वाई, फिर अलग अलग एफ एक्स डी एक्स और एक बार एफ वाई डी वाई। जब एफ एक्स डी एक्स करेंगे तो लिमिट किसकी लगाएंगे, एक्स की। देखो एक्स की लिमिट कहां से कहां है, जीरो से दो। जी ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एक्स वन कितना है जीरो, एक्स टू कितना है दो। तो एक्स वाले की लिमिट कहां से कहां जाएगी, जीरो से दो, और वाई वाले की वन से थ्री। दो क्वेश्चन की तरह सॉल्व करिएगा, ये अकेला क्वेश्चन अलग लिखा है, ये अलग लिखा है, बाद में दोनों का आंसर जोड़ दीजिएगा। पीछे फॉर्मूला देखो लिखा है डब्ल्यू एक्स बराबर और डब्ल्यू वाई बराबर, तो डब्ल्यू एक्स निकाल लीजिए डब्ल्यू वाई निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। टोटल आंसर टोटल ये का हो सकता है 32/3 दोनों को मिला के ऐड करने के बाद ना। ठीक है,
के पीछे अगर तुम तीनों का क्यों चेक करिए कैलकुलेशन 29.3 देखिए इसको आप क्या करेंगे कंपेयर तो यहां से fx बराबर कितना मिलेगा x स्क्वायर और fy बराबर कितना मिलेगा 2y चलो wx निकालो x1 से x2 यानी कि 0 से 2 2x सॉरी x स्क्वायर और dx और यहां wy करेंगे तो कितना होगा 1 से 3 2y dy चलो सॉल्व करो wx देखो पावर एक क्या होगी बढ़ेगी पावर कितनी है 2 तो हो जाएगी कितनी 3 और नीचे क्या जाएगा 3 लिमिट लगाएंगे कहां से कहां 0 से 2 यहां देखिए ये 2 तो पहली बात कांस्टेंट है इसको तुरंत कहां निकालेंगे बाहर और अंदर क्या बचेगा 1 से 3 y dy चलो इधर देखो 1/3 बाहर आ गया और ये है x क्यूब 0 से 2 wy 2 बाहर लिखा है y की पावर अभी कितनी है 1 पावर एक क्या होगी बढ़ेगी नीचे उसी पावर से डिवाइड होगा और यहां क्या लिखेंगे 1 से 3 इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल चलिए रखिए लिमिट 1/3 अपर लिमिट तो 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 का क्यूब wy y स्क्वायर लिखा है अपर लिमिट यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यानी सॉरी 3 का क्यूब और फिर क्या है 1 का स्क्वायर सही है देखो 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8 और ये हो जाएगा 8/3 और wy कितना हो जाएगा 9-1 यानी कि 8 अब टोटल क्या निकालना है w निकालना है तो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो w बराबर 8/3 और प्लस 8 तो 3 एलसीएम 8 और ये 32/3 जूल कहां का लगता है अरे तो मैं चिल्ला के वही तो बता रहा था कि 0 और 2 और 1 और 3 कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं ये लिखा है x1, y1 x2, y2 सही करो तुरंत हो गया सही हो गया
देखिए इस बार तीनों में है, आई भी है, जे भी है, के भी है, तो डब्ल्यू एक्स भी निकलेगा, डब्ल्यू वाई भी निकलेगा, डब्ल्यू जेड भी निकलेगा। लिमिट ध्यान दीजिएगा, ये है एक्स वन वाई वन जेड वन और ये है एक्स टू वाई टू जेड टू। लिमिट कहां से कहां जाएगी, एक्स वन से एक्स टू, वाई वन से वाई टू और जेड वन से जेड टू, इधर उधर ना कर देना, तीनों का अलग अलग निकालो, तो तीनों क्या कर दो, जोड़ दो, तो क्या जाएगा आंसर, जो भी याद आ रहा है मेरे पास आंसर थोड़ा सा है, तुम सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर आंसर निकालेंगे तो हम लोग मैच कराएंगे।
किसी का अलग अलग कितना कितना आया है? 1765 कोई मैच कर रहा है आपका तीनों में से? पीछे थोड़ा पीछे जरा बता दो तुम्हारा आ गया कितना आया? 73 करना पड़ेगा। तुम तीनों का आ गया, तुम दोनों का भी आ गया, पीछे आ ही गया। कल पहली क्लास है बायो की और दूसरे में क्या है? टेस्ट है। 2, 3, 5, 6 तीनों सब्जेक्ट की का मालूम नहीं है, लेकिन संभवतः बायो और फिजिक्स का होगा। केमिस्ट्री और दो का तो होगा ही होगा। आया पीछे कि नहीं आया? क्यों आगे क्वेश्चन मिला के यही समझो कि 30-35 क्वेश्चन आएंगे। बायो को बोल रहे थे तो फिजिक्स के 15 है। ठीक, बायो ज़्यादा पढ़ी है तुम लोगों ने, फिजिक्स कम पढ़ी है।
आ गया पीछे, इतना बड़ा कौन सा कैलकुलेशन है कि जो घंटों लग रहे हैं। आगे क्या पोजीशन है, दिन भर इसी को सॉल्व करिए। आगे आगे आ गया पीछे, चल रहा है शाम तक कैलकुलेशन आज करेंगे ठीक। कल पहली क्लास बायो, दूसरी क्लास टेस्ट, और नेक्स्ट क्लास अब जब भी फिजिक्स की लगेगी तो ग्रेविटेशन से स्टार्ट होगा सीधे। ठीक है, आप लोग पीछे का पढ़ लीजिए, जहाँ दिक्कत हो पूछ लीजिए, अगर समय मिलता जाएगा तो इसी तरह धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। ठीक है।